आज हम पक्षियों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर सलीम अली। कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? झारखंड का। प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? हमिंग बर्ड को। पिंगविन पक्षी का निवास स्थान कहाँ है? अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव। भारत के किस राज्य ने अपने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियों के नाम पर नामकरण किया है? हरियाणा। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का अभयारण्य में। शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? कबूतर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 नवंबर, डॉक्टर सलीम अली की जन्मतिथि। केवला देव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, राजस्थान में। सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन पक्षी प्रसिद्ध है? खंजन। कौन सा पक्षी घोंसला बुनाई कला का आकर्षक नमूना पेश करता है? बया। पर विहीन पक्षी का नाम बताइए। कीवी, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का है? हमिंग बर्ड का। सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है? शुतुरमुर्ग का। कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाता? कोयल। गाने वाले पक्षियों के नाम बताएं। कोयल, पपीहा और श्यामा। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है? बुलबुल को। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप माना गया है? एशिया महाद्वीप को। देश में पक्षी संपदा की दृष्टि से कौन सा राज्य समृद्ध है? सिक्किम। किस पक्षी को संदेश वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है? कबूतर को। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? क्रूजर पार्क, दक्षिण अफ्रीका में। काबेर झील अभयारण्य कहाँ स्थित है? बेगूसराय, बिहार में। सामाजिक प्रवृत्ति किस पक्षी में पाई जाती है? कबूतर में। पक्षियों का पूर्वज किसे माना जाता है? सरीसृप को। चिड़ियों के पूर्वज का प्रथम फॉसिल यानी जीवाश्म किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1861 में। भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों का विधिवत अध्ययन किसने आरंभ किया था? डॉक्टर सलीम अली ने। भारत की किस संस्था ने पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में विशेष योगदान दिया है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS ने। दी बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? थॉमस कैवरहिल जर्डन। इन्होंने एक किताब लिखी है जो कि 3 वॉल्यूम्स में है। दी बर्ड्स ऑफ इंडिया Volume 1, दी बर्ड्स ऑफ इंडिया Volume 2, दी बर्ड्स ऑफ इंडिया Volume 3। नहीं उड़ने वाले पक्षियों का नाम बताएं। कीवी, शुतुरमुर्ग, ईमू। भारत के सबसे लंबे पक्षी का नाम बताएं। सारस क्रेन। कारीगर पक्षियों के उदाहरण दें। बया, बतासी, दर्जिन, फुदकी, अबाबील। सफाई करने वाले पक्षियों के नाम बताएं। कौवा, चील, गिद्ध, उल्लू। कौन सा पक्षी सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है? टिटेहरी। संयुक्त भोजी पक्षी के उदाहरण दें। बुलबुल, चरखी, मैना। घरेलू पक्षी का नाम बताएं। तोता, मैना, बतख, मुर्गा, सारस, मोर, शुतुरमुर्ग। कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोलंबा लीविया।
पक्षियों के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? चार वेश्म। विश्व के सबसे अधिक ऊंचे पक्षी का नाम बताएं। शुतुरमुर्ग, जिसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग तथा स्वाइन टेल स्विफ्ट। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी का नाम बताएं। गिद्ध, 30,000 फुट। कौन सा पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय पक्षी है? गरुड़। सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी है? एल्बाट्रॉस। उड़ने वाले सबसे भारी पक्षी का नाम बताएं। कोरी बस्टर्ड, दक्षिण अफ्रीका में। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है? सारस। कौन सा पक्षी है जिसका सिर आगे रहते हुए भी पीछे देख सकता है? बत्तख। विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? किगेट, 1 घंटे में 48 किलोमीटर। किस पक्षी की पूंछ उसके शरीर के अनुपात में 4 गुना अधिक लंबी होती है? शुगर बर्ड। कौन सा पक्षी पानी में अपनी गर्दन ऊपर किए हुए तैरता है? डार्टर या सर्प पक्षी। कौन सा पक्षी अपनी चोंच में हाथी जैसे जानवरों को भी लेकर उड़ सकता है? शहदुल पक्षी, जो कि लुप्त हो चुका है। कौन सा पक्षी अपना रंग बदलता है? कैमेलियन, अफ्रीका। किस पक्षी का आकार चप्पलों जैसा होता है? वेलवास्ट्रापोलिस पैराडॉक्स। कौन सी चिड़िया किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है? नयंती स्क्रिक। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कहाँ आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं? मुरादाबाद। कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है तो उल्लू को क्या कहा जाता है? चौकीदार, नाइट वॉचमैन। कौन कौन से पक्षी मुर्दा खाने वाले हैं? कौवा, चील, गिद्ध। कौन कौन से पक्षी शिकारी पक्षी कहलाते हैं? उल्लू और बाज। कौन सा पक्षी कसाई चिड़िया के नाम से जाना जाता है जो अपने शिकार को कांटों में धंसा देता है? श्राइक। जुलाहे की तरह ताना बाना देकर घोंसले बुनने वाले किस पक्षी को अंग्रेजी में जुलाहा पक्षी या टेलर बर्ड के नाम से पुकारते हैं? बयाको। डायनासोर युग के पक्षी को किस नाम से पुकारा जाता है? आर्कियोप्टेरिक्स। विश्व में पक्षियों की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ है? पेरू, दक्षिण अमेरिका। सबसे ज्यादा देर तक लगातार उड़ने वाला पक्षी कौन है जो 3 से 4 वर्षों तक लगातार उड़ता रह सकता है? सूती टर्न। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? अलीपुर, कोलकाता में।